गुड मॉर्निंग। आज का दिन स्टार्ट होता है, देखते हैं आज क्या क्या होता है। अभी पापा नहाने गए हैं, फिर नहा के चलते हैं, जाते हैं वहाँ पे। 8 बजे यहाँ से निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे। देखो कब तक निकलते हैं, लेट हो गए वैसे भी उठने में। चलो मिलते हैं नहा धो के। तो अभी निकल रहे हैं हम, देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या होगा क्या नहीं। बाइक रेडी हो चुकी है, साफ कर देते हैं साफ। पेट्रोल पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल अभी भराना पड़ेगा। मिनिमम 200 का भराएंगे, 200 का नहीं 150 का भरा लेंगे। भरा लेंगे, चालू हो गई है बाइक, चलो चलते हैं। फाइनली पहुंच गए। बहुत ज़्यादा ठंड है आज, बहुत ज़्यादा ठंड है। हेलमेट की वजह से बाल भी इनको तो सही कर लेंगे। कंघा लाया हूँ मैं, देखते हैं फंक्शन कैसा है क्या है। अभी तक मैंने अपना कैमरा लाया नहीं है, कैमरा नीचे ही है। और यहाँ पे थोड़ा सा काम रह रहा है, थोड़ा सा काम करके फिर सर ने बोला है कि नीचे जाके खाना खाना है। मतलब जो भी स्पेशल गेस्ट हैं, मतलब जो भी अभी आ रखे हैं, इनको पहले लंच करो, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट मान लो वो करा के फिर बाद में वापस काम पे लगना है। अभी तो सारा हो चुका है, बस ये वीडियो भेज के मैं भी नीचे जाने में हूँ, जाके फिर दिखाता हूँ मैं फोटो। हाँ बस ये चल जाए, फिर बाद में मैं भी आ रहा हूँ। वो व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ ना वीडियो। अभी नीचे आए हैं, नीचे खाना वाना मिला है। खाने में कुछ सभी ज़्यादातर सारी चीज़ें फास्ट फूड है, अभी खाते हैं इसको। घर से मैं कुछ बस एक रोटी खा के आया था। ऐसे तो सर ने बोला था कि यहीं आके चाय पीना और करेंगे, लेकिन सीन कुछ ऐसे हुआ कि घर पे मम्मी ने बोल दिया कि खा के तो जाओ, तो बस खा के आए थे। तो यहाँ पे है काफ़ी चीज़ें, एक का मुझे नाम भी नहीं पता, दो का ना मुझे नाम भी नहीं पता। एक गुलाब जामुन है, एक कोफ्ता है, एक समोसा है और एक पता नहीं कौन सा हलवा है। सैंडविच है, काफ़ी सॉफ्ट सैंडविच है। और ये दो चीज़ें पता नहीं क्या है, मैं दिखाता हूँ देखो क्या चीज़ है। ये समोसा है, वो कोफ्ता है। ज़्यादातर चीज़ें फास्ट फूड ही है और मुझे वैसे फ़ास्ट फूड बना है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। सैंडविच काफ़ी सॉफ्ट है और ये अब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो पता नहीं। फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, अब मैं भी बाहर जाने वाला हूँ। बस ये मुझे बीच में बुला नहीं थे, खाना बीच में छोड़ के आना पड़ा है। और एक वो भी टूट गई मेरे से, क्या कटोरी थी, कांच की कटोरी थी, वो मेरे से टूट गई है। नीचे भाग के आ रहा था जब मैं, वो टूट गई। और प्लेट ऐसे की वैसी वहाँ पे रखी रह गई। जल्दी से जल्दी बस एक साउंड भेजना था दूसरी पेन ड्राइव में, इसके लिए मैं ऊपर भाग गया, तीसरी मंजिल पर भाग के आया हूँ। ठीक है, और देखते हैं स्टार्ट होता है, आपको भी दिखाते हैं कैसा प्रोग्राम चल रहा है, क्या हो रहा है। प्रोग्राम ख़त्म, सारा ख़त्म हो चुका है। अब बस पूरा कॉलेज खाली पड़ा है, बस यूँ घूमने का काम है। आधा घंटा लगेगा, मेरे को डेटा चाहिए जो कि मैं एडिट करूँगा अब, और फिर बाद में जाके शूट वूट जितने भी हुए हैं वो सारे एडिट होकर मेरे पास ही आ रहे हैं। अब वो एडिट करूँ, चलो नीचे चलो घूम के आते हैं, थोड़ा कैंपस घूम के आते हैं। जितनी देर आधा घंटा हमारे पास यूँ पड़ा है, सारे गेट वेट बंद पड़े हैं, ताले क्लासों के ताले लगे पड़े हैं यहाँ पे, क्लासों के ताले लगे पड़े हैं। लेटे लेटे भी वापस सज चुकी है, यहाँ पे लग चुकी है, लग चुकी थी अब तो। हाँ अब वापस उधर तो कुछ लीगली काम हो रहा है, आप थोड़ा बाहर चल के आते हैं। चेयर यहाँ पे सब लग चुके हैं, यहाँ का सीन वैसे सिनेमेटिक शो था। इधर लाइब्रेरी है, अंदर बड़ी तगड़ी तगड़ी बुक्स पड़ी है, अपन अंदर घुस तो नहीं सकते वैसे। बस काफ़ी ज़्यादा ठंड है आज यार, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है।
दिलाया तेरे साथ। ये जगह भी काफी अच्छी है यार, यहाँ पे वॉल पेंटिंग इतनी ज्यादा बढ़िया है कि अगर किसी को फोटो शूट कराने हो ना, हर चीज को डीपली पेंटिंग भी हर चीज ऐसे डीपली बता रखी है कि यहाँ यहाँ पे है क्या। जैसे इस पेंटिंग को देख सकते हैं, 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 सभी पेंटिंग में कुछ ना कुछ ऐसे डीपली बात छुपी हुई है। और यहाँ का जो सीन है, पेड़ वेड़ काफ़ी बढ़िया लगे हुए हैं, हर पेड़ पे लिखा हुआ और है कि JECRC की तरफ से ये नेम है। जैसे जब मैं आया था, मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेड़ देखा था, इस पे लिखा हुआ था, इस पे टैग लगा हुआ है कि ये JECRC की फाउंडेशन की तरफ से छठा नीम का पेड़ है। ऐसे ही इस पे भी लगा हुआ है, सातवा है, ऐसे सभी पेड़ों पे टैग्स लगे हुए हैं। और मैं बैकयार्ड में चल रहा हूँ, यहाँ पेंटिंग काफ़ी शानदार सीन है यहाँ का। वैसे तो अंदर का सीन है जहाँ पे पूरा फंक्शन हो, किसी को नहीं दिखा रहा। पीछे की ऑडियंस की फोटो अपन पिछले साल वाले डाल दे, ये वो वीडियो बना रहा है चैनल के लिए। यहां सब मजे कर रहे हैं, सब तगड़े वाले मजे कर रहे हैं यार। बैकग्राउंड पे कुछ भी सुनो ना, ब्लैक बैकग्राउंड पे कुछ भी सुनो, इस पे कुछ भी हो रहा है। बोलने की बात हो रही है और यहाँ पे सबने बहुत मजे कर करके सबने कुछ कुछ उठा लिया। मतलब यहाँ पे फ्लावर लगा के थे और मैंने भी किसी ये उठा लिया, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल उठा लिए, सबने उठा लिया। अभी और उठा के ले चलूँगा जितने बैग में जगह बचेगी, क्योंकि ये फूल जो है रियल है और इनकी इतनी कुछ अभी यहाँ पे कुछ काम आएंगे नहीं, ये सारे फेंके जाएंगे। फेंकना क्यों है, तो घर पे काम आ जाएंगे। सिमरनर को मेरे दोस्तों को सबको दे दूंगा, लगाओ देखो जिसको लगाना है। जा रहे हैं, चलो सब जाते हैं, वो ले आओ, चलो ले आओ, चलो सब चीज़ें रख लिए हैं, मेरी बाइक वो खड़ी, सारी सिर्फ आके लिए हैं, सब यहाँ पे निकल चुके हैं। चलो हम भी चलते हैं, घर जाके मिलते हैं। चलो अब जाके घर पहुँचे हैं। मैं पहले शूट करना भूल गया था, क्यों, क्योंकि मैं घर पहुंच तो गया था, फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक अर्जेंट काम याद आ गया, तो मैं अर्जेंट में चला गया था विदाउट कुछ करे, अर्जेंट वहां पे रुका, फटाफट लिया जो भी करा, वापस आ गया। और ये कोट घर से नीचे फटाफट चेंज कर लिया था, बिल्कुल मैंने कपड़े चेंज नहीं करे। और फिर यहाँ पे अब हम हो गया जो मैं लाया था, लाया था अच्छा, और यहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ मेरे रूम में, फिर बाद में अपन कपड़े चेंज करके फिर बाद में वापस मिलते हैं, ठीक है। कपड़े चेंज करके और बाकी थोड़ी बहुत बातें होगी, फिर ब्लॉग हमारा आज का एंड हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय। सो आ गए रेडी होके, शानदार तरीके से चेंज वेंज कर लिया। मैंने बता दिया कि हाँ मैं पहले उतरते ही क्यों शूट नहीं कर पाया, आज काफ़ी चीज़ें हुई जो ये शूट नहीं हो पाई। जैसे एक एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे, एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि एक इर्टिगा निकली मेरे बगल में से, मैं बाइक चला रहा था, जस्ट बगल में से एक इर्टिगा निकली, उसमें से 7 पंजाबी निकले जो सरदार जी, 7ों ने पग पहन रखी और बहुत ही स्पीड से भागे। वो मुझे बहुत ही बेस्ट सीन लगा आज का, जो कि भागे और उस शिफ्ट को जो उल्टी गिर गई थी, पता नहीं किस कारण गिरी, मैं वहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, ना तो मुझे वो लोकेशन का पता कि वो कहाँ पे गिरी थी, क्योंकि मुझे उस जगह का इस साइड अभी मुझे इतना पता नहीं है। तो वो उस शिफ्ट को उठाए थे, बस मैं इतना सीन देख पाया, लेकिन मुझे वो दिन का आज का दिन का बेस्ट सीन लगा कि मैं वहाँ पे उनको देखा, वो मेरे सामने जस्ट निकले एकदम से, गाड़ियाँ के गेट खुले और 7 सरदार जी निकले और उन्होंने उसकी मदद करी, बहुत ही बेस्ट सीन थी। आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ मदद करने के लिए रुकिए तो सही। और वहाँ पे काफ़ी लोग थे लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि कोई मदद कर रहा था, ये सीन था एक तो। और आज के दिन में जो काफ़ी मस्ती हुई, काफ़ी शूट हुए थे, वो भी अभी शूट नहीं हो पाए, तो मेरे पास उस टाइम मैं खुद काम कर रहा था और मस्ती खुद कर रहा था, खुद सीन नहीं बना पाया, खुद वीडियो नहीं बना पाया अभी। तो मेरा भी वैसे ही फर्स्ट व्लॉग है, तो आप भी थोड़ा समझ सकते हो। देखते हैं आगे वाले वीडियोस में और आगे वाले व्लॉग में थोड़ी और कोशिश करेंगे और अच्छा बनाने की। आज वैसे भी कुछ भी एक सिनेमैटिक भी एक भी अच्छा शॉट नहीं लिया,
और कोई भी मुझे अच्छा लगता नहीं है कि ये पहला व्लॉग मेरा इतना खास होगा। देखते हैं आपको कैसा लगता है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। जो भी आज अच्छा नहीं लगा या फिर जो भी अच्छा लगा वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर देना वीडियो को ताकि मुझे थोड़ा एप्रिसिएशन मिले प्लीज। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चन सभी के आएंगे कि ये एकदम से व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर दी, मैजिक का क्या हुआ, वो सब मैं अगर आप पूछोगे तो अगले वीडियो में बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी क्यू एन ए ऐसा कोई सीन नहीं है कि क्यू एन ए निकलने का, लेकिन बस ये जो सिंपल क्वेश्चंस हैं इनके आंसर तो मैं या तो वीडियो में ही बता दूंगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा, अगर पूछने होंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता शायद कोई पूछेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।